ऋषि ने लक्ष्मी को बाथरूम में रोका और कहा कि तुम ये घर छोड़कर जा रही थी तब तुम प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाते और लक्ष्मी कहती कि तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। ऋषि कहता है कि मुझे अच्छे से पता तुम प्रेग्नेंट थी। तो लक्ष्मी कहती है अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो मैं वापस आती ना। तो ऋषि कहता है तुम इसीलिए वापस नहीं आई क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और तुम इसीलिए नहीं आई थी अपने बच्चे को लेकर, तुम प्रेग्नेंट थी। और लक्ष्मी मानने को तैयार नहीं हो रही होती। ऋषि उसे चीख चीख कर चिल्ला कर पूछता है और कहता है कि तुम्हें ये बात को बताना पड़ेगा। इधर देखेंगे शालू को देखता है, उस तो शालू से कहता है शालू पता है ना तुम्हें एक बात जो हम दोनों के बीच में और किसी को भी नहीं पता है। तो शालू कहती है कि हाँ हमारे बीच में, लेकिन तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हारी शादी हो चुकी, तुम मुझे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। शालू को लगता है आयुष अपनी और शालू की बात कर रहा है। शालू कहता मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां लक्ष्मी भाभी की बात कर रहा हूं, वो प्रेग्नेंट थी ना जब घर छोड़कर गई थी, ये बात तुम्हें और मुझे पता थी ना। ये बात सुनकर शालू के होश उड़ जाते, उसे समझ में नहीं आता करे तो क्या करे। तभी सामने से अनुष्का आ रही होती, वो अनुष्का को बुलाती और कहती अपने पति को संभालो मुझे परेशान कर रहा है। और शालू वहां से बिना जवाब दिए चली जाती है।